नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहां से होकर गुजरने वाली नदियों के किनारों पर कोई गांव या कोई शहर बसा हुआ है। कई जगहों पर नदियों के किनारों से महज कुछ ही दूरी पर घनी आबादी का बसेरा है, जिनमें कईयों के लिए उनके जीवन यापन का जरिया नदी ही है, जबकि बहुत से लोग दूसरे रोजगार के क्षेत्र से जुड़कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जो लोग नदियों के माध्यम से अपना जीवन चलाते हैं उन्हें तो तैरना आता है, लेकिन दूसरे व्यवसाय से जुड़ने वाले अधिकांश लोगों को तैराकी नहीं आती है। बिहार में ऐसे कई जिले हैं जहाँ से होकर गुजरने वाली नदियों के किनारों पर कोई न कोई गाँव या शहर बसा हुआ है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एक रिपोर्ट की माने तो नदियों में डूबने की वजह से पिछले 4 वर्षों में 18 जिलों में 1140 लोगों की मृत्यु हो गई है। को गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार ने नदियों से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को तैराकी सिखाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 18 जिलों में नदियों से सटे 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के लोगों के बीच अभियान चलाकर उन्हें तैराकी सिखाया जाएगा। ये वही जिले हैं जहाँ डूबकर मरने वाले लोगों की संख्या अधिक है। इन जिलों में जल्द से जल्द तैराकी अभियान के तहत लोगों को तैरने की ट्रेनिंग दी जाएगी। डूबने वाले में वृद्ध लोगों की संख्या कम है, लेकिन इस लिस्ट में युवा और किशोर के साथ साथ बच्चों की संख्या अधिक है। वहीं इनमें लड़कियों की तादाद लड़कों से ज़्यादा है। इन घटनाओं को रोकने के लिए प्राधिकरण ने तैराकी सिखाने की योजना तैयार की है। इसके तहत राज्य के 18 जिलों में अभियान चलाया जाएगा जहाँ पर डूबने वालों का आंकड़ा ज़्यादा है। इस संबंध में प्राधिकरण ने 6 मई को संबंधित जिलों के अंचलाधिकारियों एवं वहां के पंचायतों के मुखिया के साथ एक बैठक की है। बैठक के दौरान उन जिलों में तैराकी सिखाने का निर्णय लिया गया जहां पर बड़ी संख्या में डूबने की वजह से लोगों की मृत्यु हुई है। तैराकी सिखाने के लिए संबंधित जिलों के पंचायतों में मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें इस काम की ट्रेनिंग राज्य स्तर पर दी जाएगी। प्राधिकरण ऐसा चाहता है कि मास्टर ट्रेनर जन प्रतिनिधियों के सहयोग से अधिक लोगों को तैराकी सिखाए। प्राधिकरण का यह भी कहना है कि अधिक से अधिक लोग तैराकी सीख लेंगे तो लोगों को डूबने से बचाया जा सकेगा। इसके लिए प्राधिकरण इस अभियान को युद्ध स्तर पर चलाना चाहता है। हालांकि इससे पहले भी यह अभियान समय समय पर चलाया जाता रहा है, लेकिन इस बार इसे विशेष तौर पर चलाया जाएगा ताकि नदियों के किनारों पर रहने वाले लोग अधिक से अधिक तैराकी सीख सके और दूसरे लोगों को डूबने से बचा सके। इन 18 जिलों के नाम इस प्रकार हैं: पटना, भागलपुर, नालंदा, पूर्वी चंपारण, सारण, जहानाबाद, खगड़िया, अरवल, मुंगेर, समस्तीपुर, रोहतास, शिवहर, बेगूसराय, मधेपुरा, लखीसराय, गया, किशनगंज और कटिहार। आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।